अंबाती राय अड्डू की जगह इंग्लैंड के खिलाफ वन अड्डे टीम में सुरेश रैना को मिली जगह। इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वन अड्डे सीरीज से यो-यो टेस्ट में फेल होने के बाद हटे अंबाती राय अड्डू की जगह टीम में सुरेश रैना को शामिल कर लिया गया है। वहीं रोहित शर्मा को भी यो-यो टेस्ट से गुजरना होगा। रोहित ने रूस में होने के कारण 15 जून को हुआ यो-यो टेस्ट छोड़ने की अनुमति ली थी, जिसके बाद अब उन्हें रविवार को टेस्ट देना होगा। बीसीसीआई के जीएम क्रिकेट ऑपरेशंस सबा करीम ने कहा कि रोहित ने 15 जून को टेस्ट नहीं देने के लिए अनुमति ली थी। ऐसा कोई नियम नहीं है कि टेस्ट के समय पर ही हो, ऐसे में वे रविवार को टेस्ट देंगे। उन्होंने कहा कि रायडू का टेस्ट में फेल होना चौंकाने वाला था, वो भी तब जब उन्होंने आईपीएल के सकल सत्र में 602 रन बनाए हैं। करीम ने अंबाती के टीम से बाहर होने के बारे में कहा था कि अगर केदार जाधव भी 100% फिट नहीं होते हैं तो फिर सुरेश रैना या फिर कृणाल पांड्या में से किसी एक को भी मौका मिल सकता है। रैना के पास 200 अनडे खेलने का अनुभव है, ऐसे में वे कृणाल या मनीष पांडे की जगह टीम प्रबंधन की पहली पसंद हो सकते हैं। पूर्व भारतीय ओपनर और क्रिकेट समीक्षक आकाश चोपड़ा को भी लगता है कि रैना टीम के लिए सही है। चोपड़ा ने कहा कि विश्व कप 2019 को देखते हुए रैना को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या आपके पांचवें गेंदबाज के रूप में होंगे तो शीर्ष 6 बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका मिल सकता है। मैं ऋषभ को भी टीम में देखना चाहता हूं, लेकिन धोनी और डीके के रहते यह मुश्किल है। वहीं पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दीप दास गुप्ता ने कहा था कि कृणाल या रैना में से किसी एक का चयन होना चाहिए। शिखर के अलावा मैं टीम में एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज को शीर्ष 6 में देखना चाहता हूं। ऐसे में कृणाल या रैना को टीम में होना चाहिए। इसके पीछे मेरा कारण यह है कि हर टीम के पास एक लेग स्पिनर जरूर होता है, तो ऐसे में टीम में एक बाएं हाथ का बल्लेबाज मध्य क्रम में होना बेहद आवश्यक है। उनकी खास बात यह है कि दोनों गेंदबाजी भी करा सकते हैं, लेकिन अगर केदार फिट होते हैं तो उनके अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है।